हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप्स बायोलॉजी। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में। न्यूक्लियोटाइड दो प्रकार के होते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबोन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है आरएनए के स्ट्रक्चर में एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है डीएनए के स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर किस प्रकार की पेंटोज शुगर है, राइबोज या फिर डीऑक्सीराइबोज, उनके बेसिस पर ये जाने जाते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। नाउ थ्री थिंग्स आर फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो एक तो है नाइट्रोजिनस बेस, सेकेंड पेंटोज सुगर जो कि हो सकती है राइबोज या फिर डीऑक्सीराइबोज, एंड थर्ड इज फॉस्फेट। नाइट्रोजिनस बेस एंड पेंटोज सुगर अगर ये दोनों है तो वो जाने जाएंगे न्यूक्लियोसाइड से। तो ये दोनों जाने जाएंगे न्यूक्लियोसाइड, एंड अगर हम न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट कर दे, यानी कि ये तीनों साथ में जाने जाते हैं न्यूक्लियोटाइड से। तो यहां पर न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। अगर फॉस्फेट नहीं है तो जाने जाएंगे न्यूक्लियोसाइड से। नाइट्रोजिनस बेस दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन काइंड ऑफ नाइट्रोजिनस बेस एंड पायरिमिडिन काइंड ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। तो यहां पर प्यूरिन एंड पायरिमिडिन ये दोनों प्रकार के नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। ये दोनों हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड है। प्यूरिन में होती है दो रिंग्स कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर मैं सिर्फ जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ और मैंने सिर्फ इंडिकेट किया है ये N9। तो नाइन्थ पोजीशन वाला नाइट्रोजन मैंने इंडिकेट किया है। तो ये है प्यूरिन, एंड पायरिमिडिन के स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह की सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है, एंड ये ने इसका भी मैंने जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। एंड यहाँ पर N1 ऑफ दिस पायरिमिडिन। प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस की बात करें तो यहाँ पर एडेनिन एंड ग्वानिन है, वो प्यूरिन काइंड ऑफ नाइट्रोजिनस बेस है। तो एडेनिन एंड ग्वानिन ये दोनों प्यूरिन काइंड ऑफ नाइट्रोजिनस बेस है, एंड पायरिमिडिन की बात करें तो पायरिमिडिन काइंड ऑफ नाइट्रोजिनस बेस आर साइटोसिन, थाइमिन, एंड एक और है अगर डीएनए है तो यहाँ पर है थाइमिन, एंड आरएनए है तो थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय थर्ड नाइट्रोजिनस बेस यूरासिल। तो ये तीनों हो गए पायरिमिडिन काइंड ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। अगर आपको इस नाइट्रोजिनस बेस के डिटेल स्ट्रक्चर चाहिए तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दे दूंगा, आप देख सकते हैं ये सब नाइट्रोजिनस बेस के स्ट्रक्चर। अभी बात करते हैं पेंटोज सुगर की। तो यहाँ पर राइबोज सुगर होती है राइबोन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में, एंड डीऑक्सीराइबोज सुगर होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ राइबोज सुगर का स्ट्रक्चर। तो कुछ इस तरह से होती है राइबोज सुगर, जो कि एक पेंटोज सुगर है 5 कार्बन कंटेनिंग। तो ये हो गई राइबोज सुगर, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये फिफ्थ कार्बन, एंड ये है डी राइबोज जो कि प्रेजेंट होती है आरएनए के स्ट्रक्चर में या फिर राइबोन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में। एंड डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन। यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज के स्ट्रक्चर में सेकेंड कार्बन पर ये जो हाइड्रोक्सिल है वो रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम हो जाता है, सिर्फ रह जाता है हाइड्रोजन। तो ये हो गया डी टू डीऑक्सीराइबोज। तो ये है टू डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर,
एक्चुअली इट इज डी टू डीऑक्सीराइबोस, क्योंकि यहां पर सेकेंड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। तो ये हो गए राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोस के स्ट्रक्चर। फॉस्फेट की बात करें तो फॉस्फेट का स्ट्रक्चर यहां पर होगा कुछ इस तरह से। तो ये है फॉस्फेट। अभी मैं पहले बनाऊंगा यहां पर न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर, यानी कि नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोस सुगर, एंड फिर फॉस्फेट अटैच करके बनाऊंगा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। तो चलिए सबसे पहले मैं यूज करता हूँ राइबोस सुगर एंड बनाऊंगा राइबो न्यूक्लियोसाइड, एंड बाद में फॉस्फेट अटैच करके राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो ये है राइबोस सुगर। यहाँ पर यह हो गया फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन। तो यहाँ पर अभी हम अटैच करेंगे नाइट्रोजिनस बेस। तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ प्यूरिन काइंड ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। तो कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पर ये है N9 ऑफ दिस प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस एंड ये है C1। तो बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में, ये बन गया बॉन्ड N9 ऑफ प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस एंड C1 ऑफ दिस राइबोस सुगर। तो ये बॉन्ड जाना जाएगा बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर यूज हुआ है नाइट्रोजन। तो ये बॉन्ड है बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये बन गया स्ट्रक्चर राइबो न्यूक्लियोसाइड का, ठीक है। अगर यहाँ पर ये जो प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस है वो एडेनिन है तो वो जाना जाएगा एडिनोसाइन से, ग्वानिन है तो ग्वानोसाइन से, साइटोसिन है तो साइटिडीन, एंड यूरासिल है तो यूरिडीन। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं टेबल में किस तरह से नेम दिए जाते हैं। अभी यहाँ पर हम अटैच कर देंगे फॉस्फेट एंड बना देंगे स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड एंड मोर प्रिसाइसली राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर मैं अटैच कर रहा हूँ फॉस्फेट, तो कुछ इस तरह से अटैच हो जाएगा यहाँ पर फॉस्फेट, और ये बन गया स्ट्रक्चर राइबो न्यूक्लियोटाइड का। फिर से अगर ये नाइट्रोजिनस बेस यहाँ पर एडिनिन है तो वो जाना जाएगा एडिनोसाइन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट से, ग्वानिन है तो ग्वानोसाइन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट से। स्क्रीन पर आप बाकी के नाम देख सकते हैं किस तरह से इनके नाम दिए जाते हैं। अभी हम देखते हैं स्ट्रक्चर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डीऑक्सी राइबोस सुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस अटैच करके बनाऊंगा न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर, यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर, एंड बाद में फॉस्फेट अटैच करके बनाऊंगा न्यूक्लियोटाइड यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। तो ये है डीऑक्सी राइबोस सुगर। यहां पर सेकेंड कार्बन पर एच प्रेजेंट है डीऑक्सीराइबोस सुगर में। अभी मैं यहां पर यूज कर रहा हूं नाइट्रोजिनस बेस पाइरिमिडीन। तो मैं यहां पर अटैच करूंगा पाइरिमिडीन नाइट्रोजिनस बेस। तो ये है N1 ऑफ दिस पाइरिमिडीन नाइट्रोजिनस बेस, N1 ऑफ दिस पाइरिमिडीन नाइट्रोजिनस बेस इज बॉन्डेड विथ C1 ऑफ दिस राइबोस सुगर। तो यहां पर था N9 एंड यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन है N1 अगर प्यूरिन अगर पाइरिमिडीन है तो। तो ये बॉन्ड बन गया इन दोनों के बीच में जो कि है बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो कि बना है इस पेंटोस सुगर के फर्स्ट कार्बन एंड यहाँ पर N1 पाइरिमिडीन के N1 से। तो ये हो गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां पर फॉस्फेट अटैच नहीं है। मान लीजिए ये
जो रिंग है ये नाइट्रोजिनस बेस है वो साइटोसिन है, तो जाना जाएगा डिओक्सी साइटिडीन से। अगर थायमिन है तो डिओक्सी थायमिडीन से, आप टेबल में स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अभी यहाँ पर अटैच कर देंगे फॉस्फेट और बना देंगे स्ट्रक्चर डिओक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का। तो ये मैं अटैच कर रहा हूँ यहाँ पर फॉस्फेट, और ये बन गया स्ट्रक्चर डिओक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का। तो अगर यहाँ पर ये नाइट्रोजिनस बेस साइटोसिन है तो जाना जाएगा डिओक्सी साइटिडीन 5' मोनोफॉस्फेट। ग्वानिन है तो डिओक्सी ग्वानोसाइन 5' मोनोफॉस्फेट। अगर यहाँ पर तीन फॉस्फेट अटैच है तो डिओक्सी एडिनोसाइन 5' ट्राइफॉस्फेट। अगर दो फॉस्फेट अटैच है तो डिओक्सी एडिनोसाइन 5' डाइफॉस्फेट। तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर किस प्रकार का नाइट्रोजिनस बेस अटैच है। एंड अगेन ये जो डिओक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है यहाँ पर थायमिन नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होगा, एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में थायमिन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होगा। तो ये थे न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन जरूर दबाएं। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।